हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन। गाइज, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं स्टैंडर्ड 1 to 10 या जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, दोनों स्टूडेंट्स के लिए अक्सर ऐसा सभी के साथ होता है कि जब किसी सब्जेक्ट की हम बुक उठा करके पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो समझने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। समझ नहीं आता है कि ये पॉइंट्स कहना क्या चाहता है और उसका मीन्स हम लोग समझ नहीं पाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स के ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जो हम लोग को समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशंस में कोई भी ऐसा टर्म हो अगर आपको समझ में नहीं आता, या फिर कोई ऐसी चैप्टर हो अगर आपको समझ में नहीं आता, अगर आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि मैम मुझे ये टर्म समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसके लिए काफ़ी कंसेप्चुअल, काफ़ी इजी एंड काफ़ी शॉर्ट टाइम में आपको बेहतर वीडियो प्रोवाइड करूँगी। और मेरा प्रॉमिस है कि आप जब एक बार देख लोगे तो लाइफ में सेकेंड टाइम आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, जो चैप्टर है, कोई भी अगर ऐसे चैप्टर है अगर किसी सब्जेक्ट की आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि मैम आप इस चैप्टर पे मुझे एक वीडियो मतलब लेकर क्या, मैं उसके लिए काफ़ी अच्छे से एक प्रॉपर वे में वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूँगी जिसमें कि आपको PDF के साथ प्रोवाइड करी जाएगी और आपके लिए वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। देन आपको कोई भी अगर ऐसी वीडियो चाहिए देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और ख़ास करके ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है और दो सब्जेक्ट को छोड़ करके मैथ एंड हिंदी। इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।